जब तक प्योरिटी नहीं होगी तब तक शिव योग काम नहीं करेगा, इम्प्योरिटी शिव योग काम नहीं करेगा। इम्प्योर माइंड होगा तो शिव योग करोगे तो वो पहले तुम्हारे इम्प्योरिटी को सफाई करनी शुरू कर देगा। जब तक, क्योंकि वो जो डिजायर है दैट शुड बी कन्वर्टेड इनटू सीकिंग, आई डिजायर, वो जो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस उठता है तो वो शब्द बदल जाता है, आई सीक। डिजायर में मैं कहता हूं, मैं इच्छा करता हूं कि उसको सबक सिखाना है, दैट्स अ डिजायर। ये आप कभी नहीं कह सकते आई सीक टू पनिश, कैन यू से दैट? नो। तो वो जो एक स्टेट है, दैट इज द स्टेट ऑफ यू आर वन विद द गॉड, ओनली देन यू कैन सीक। And when you are one with the world, then you can desire. तो हम desire से शुरू कर रहे हैं, तुम चाहते क्या हो, और उसके अंदर जो है उसको फिर visualize कर रहे हैं, उसके अंदर सफाई कर रहे हैं, छटनी कर रहे हैं, और फिर उसको the language of God उसमें परिवर्तित करवा रहा है, और उसके पश्चात उसको जो है तुम्हारी consciousness में मैं engrave करना चाहता। तो फिर जब तुम उस लेवल तक जाते हो, उसके लिए पहले सारे दुखों को, सारे डिसबिलीफ को, सारे परेशानियों को, जब तक ये रिलीज नहीं होगा तब तक तुम उस लेवल तक नहीं पहुंचोगे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग लर्न टू लेट गो। प्लीज लर्न टू लेट गो, देयर शुड नॉट बी एनी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, देयर शुड नॉट बी एनी। इसलिए जब शुरुआत करो साधना, उस समय कोई इच्छा ना हो। मुसीबत यह होती है कि जब साधना करते हैं पहले इच्छा को सामने रख देते हैं तो नहीं जा पाते। भगवान कृष्ण भी कहते हैं कि कर्म करना, फल की चिंता नहीं करना। और ये साधना जो है, जो शिव योग की साधना जो है, ये बड़ा ही दिव्य कर्म है। इस समय कोई भी इच्छा नहीं, इसलिए मैं वो डिजायर से परे ले जाना चाहता हूं। आई वॉन्ट यू दैट जो भी तुम्हारा गोल है, इट मस्ट एंटर इन टू द कॉन्शियसनेस। डिजायर मन से होती है, मन से इच्छा उत्पन्न होती है, लेकिन हायर लेवल से यू सीक। उस समय तुम परमात्मा से जीवन का रूपांतरण मांगते हो। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ट्रांसफॉर्मिंग योर लाइफ एंड विशिंग समथिंग। विशिंग इज नॉट गोइंग टू, Shiva Yoga is not going to help you in any of your wishes, but Shiva Yoga is going to help you in transforming your life.